गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे अप्रैल में लगने वाले कटिंग से प्लांट्स की। तो इतने सारे प्लांट्स हैं जो अभी कटिंग से लग सकते हैं, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। काफ़ी मतलब छोटी छोटी कटिंग से ही आप उनको लगा सकते हैं। तो ये जैसे स्पाइडर प्लांट है, आप स्पाइडर प्लांट के भी अभी जो ये इसके रनर्स निकलते हैं उनको आप पानी में रखिए। और देखिए, मैंने ये पानी में रखे और ये रनर्स ऐसे ही अभी मैंने इनको कट भी नहीं किया। और इनकी रूट्स देखिए कितनी अच्छी रूट्स आ गई हैं इसमें। और उसके बाद जो ये मैंने कटिंग्स रखी हुई है सारी, देखिए पर्पल हार्ट, वॉन्डरिंग जीव के मेरे पास दो रंग है। ये देखिए, ये छोटी छोटी कटिंग से ये सारे प्लांट्स चल जाते हैं। इवन मैंने इनको भी पानी में रखा हुआ था। तो देखिए इसके भी अभी रूट्स, ये आपको रूट नज़र आ रहा है, विद इन 2-3 डेज ही इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले यही वॉन्डरिंग जीव हमारा प्लांट है, जिसकी आप छोटी से छोटी कटिंग भी लेके आएंगे तो बड़ी आसानी से चलेगी। इसमें दो कलर होते हैं, ये वाला एक और ये कोलिस है। कोलिस की देखिए मैंने कटिंग रखी थी, उसमें भी रूट्स आ गई हैं, कितनी अच्छी रूट्स आई हैं। और ये एक और प्लांट रखा हुआ है यहाँ पर, इसकी भी रूट्स आ गई हैं। और ये आप विंका या पेरीविंकल और सदाबहार भी बोलते हैं, इसकी भी आप कटिंग्स पानी में रखिए। और पूरी गर्मी जो गार्डन को ग्रीनरी देगा वो है ये टर्टल वाइन। तो टर्टल वाइन की तो देखिए इतनी इतनी कटिंग भी आप कहीं से ले आइए तो पूरे गार्डन को कवर कर देगी आपके। अगर आप ग्राउंड पे लगा रहे हैं, पॉट में लगाएंगे तो देखिए पॉट को ये जो है मॉइस्चर भी बना के रखेगा उसमें। गर्मी में काफ़ी अच्छा रहता है, पॉट्स में नीचे लगा के रखिए आप, हर हैंग करती है, बड़ी प्यारी लगती है ये। और उसके बाद इसकी एक जो वॉन्डरिंग जीव की ये वैरायटी होती है, इसे इंच प्लांट भी बोलते हैं। इसकी बस छोटी छोटी कटिंग सी आप पानी में रख दीजिए, लेके आइए कहीं से और यहाँ डायरेक्ट सॉइल में लगा दीजिए। देखिए पूरा पॉट इससे फिल हो जाएगा, देखिए पूरा पॉट फिल हो गया। और ये बेबी सनरोज, इसमें फ्लावर्स भी आते हैं तो इसकी भी छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है। और उसके बाद हमारा ये है स्वीट पोटैटो वाइन, देखिए ये इतना प्यारा लगता है और अलग कलर एक देता है गार्डन को। तो इसकी मैंने ये देखो फ्रेंड्स, ये कटिंग लगाई थी और देखिए पानी में रखी हुई थी तो कितने अच्छे से ग्रो हो गई है। इसकी लीव से ज़्यादा इसकी रूटिंग हो गई है। और उसके बाद है ये हमारी टेंगल्ड हार्ट प्लांट है। टेंगल्ड हार्ट की आप छोटी से छोटी कटिंग अभी लगा लीजिए। देखिए ये जो विंटर्स में तो ये डोरमेंसी में चला जाता है और मैंने इसको पॉट को वैसे ही रख दिया था, तो अभी देखिए दोबारा से ये ग्रीन हो गया है। इसकी कटिंग लगा लीजिए तो छोटी छोटी, तो मैंने कटिंग्स भी लगाई है, वो भी किसी दिन आपके साथ मैं जो शेयर करूँगी रूटिंग कितनी हुई है उसमें। ये अजवाइन का प्लांट है, इसकी भी छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है, इसको भी आप ऐड कीजिए। इसमें से खुशबू आती है बड़ी प्यारी और मेडिसिनल भी काफ़ी बेनिफिट्स है इसके, तो आप यूज़ कर सकते हैं इनको। उसके बाद ये भी स्वीट पोटैटो वाइन है, ये आपने मेरी एक वीडियो भी देखी होगी कि कैसे इसके देखिए कलर्स चेंज होते हैं। अभी पर्पल में ग्रीन कितना प्यारा लग रहा है इसमें, और फिर इसमें एक येलो कलर का लीफ भी आएगा। और ये देखिए इसके लीफ में भी कलर, पर्पल में कैसे ग्रीन कलर आया हुआ है। तो ये इतना प्यारा प्लांट है, ये तो आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए। मेरे को बड़ी मुश्किल से मिला था ये, कॉमनली ऐसे मिलता नहीं है प्लांट, बड़ी मुश्किल से मेरे को ये प्लांट मिला नर्सरी से। तो ऐसे ही ये जेड प्लांट है, जेड की तो आपको पता है छोटी से छोटी कटिंग लगाई है। जेड तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है, तो अलग अलग तरीके से मैंने जेड को जो ग्रो कर रखा है, तो छोटे से छोटे पॉट्स में लगा लीजिए या बड़े से बड़े में लगा लीजिए, सब में ये ग्रो करेगा। और ये पर्पल हार्ट, इसको ऐड कीजिए अभी गार्डन में तो इसमें फ्लावर्स भी आएंगे बड़े प्यारे। तो ऐसे ही आप बस विंका की कटिंग ज़रूर लेके आइए। पिंक वाला भी मेरे पास है, ये देखिए पिंक वाला, ये पिंक वाला है देसी, तो इसकी कटिंग्स बड़ी आसानी से ग्रो कर जाती है। तो इनकी भी कटिंग लगा लीजिए, पानी में ग्रो कीजिए, सॉइल में ग्रो कीजिए। कोलियस है, आप कोलियस ऐड कीजिए, कोलियस की भी कटिंग लग जाती है। देखिए इसमें इतने प्यारे कलर्स हैं, वो भी मैं किसी दिन आपसे शेयर करूँगी, मेरे पास काफ़ी कलर्स हैं इसके कोलियस के। तो अभी अप्रैल ख़त्म होने से पहले फ्रेंड्स, आप जो है अपने गार्डन में ये सारी कटिंग्स ऐड कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद ना जब ज़्यादा समर्स में ये कटिंग्स ग्रो नहीं करती, अभी बड़े अच्छे से ग्रो करेंगी ताकि आपका पूरा जो समर्स में गार्डन फ्लावर से और प्लांट से भरा रहे। तो
तो जल्दी से ऐड कीजिए इन सारे प्लांट्स को। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।